दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। जब आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी समय गुजर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार की बात है, एक शिष्य जो था अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। उसके गुरु जी भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो शिष्य बहुत ही आलसी था। वो आज के काम को हमेशा कल पर टाला करता था। इसीलिए उसके गुरुजी बहुत ही चिंतित थे कि वो भविष्य में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो एक दिन वो उसका कल्याण करने की सोचते हैं और उसे एक काला पत्थर देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पत्थर 2 दिन के लिए देकर किसी दूसरे गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मैं आऊँगा तो मैं तुमसे ये पत्थर ले लूँगा। इस पत्थर को तुम जिस भी लोहे की वस्तु से छूओगे तो वो सोना बन जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि ध्यान रहे, कल शाम होने से पहले ही मैं आ जाऊँगा और तुमसे ये पत्थर ले लूँगा। और इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। जो शिष्य था वो बहुत ही खुश था। उसे लगा कि आज मेरे पास ये काला पत्थर आ गया है तो मैं कितना धनी और कितना सेठ हो जाऊँगा। मेरे पास इतने रुपए होंगे कि मेरे को एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने अपना पहला दिन बर्बाद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे याद था कि आज उसका आखिरी दिन है सोना बनाने का, यानी कि लोहा बाजार से लाएगा और उसके बाद उससे सोना बनाएगा। ये सोचते सोचते आधा दिन गुजर जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना दिन का खाना खा लिया जाए और खाना खाने के बाद ही मैं बाज़ार जाऊं और वहां से लोहा ले आऊं। तो ये सोचकर वो खाना खाता है और उसकी आदत थी कि खाने के बाद वो हमेशा आराम किया करता था। वो जैसे ही आराम करने के लिए जाता है तो उसकी आँख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। शाम को बड़ी देर के बाद वो जब उठता है तो हपड़ तपड़ बाज़ार की तरफ भागता है। जब वो बाज़ार की तरफ जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं और वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं आज लेट हो गया, आप मुझे प्लीज़ 1 दिन और दे दीजिए ताकि मैं अपना सोना बना सकूँ। लेकिन गुरुजी उसे सख्त मना कर देते हैं और अपना पत्थर वापस ले लेते हैं। तब उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका आलस ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपना काम कल पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि जो काम आपको आज और अभी करना है उसे उसी वक्त ख़त्म करिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।